आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजधानी दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के शहादरा नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर द्वारा यमुना विहार इलाके में सिंगल यूज प्लास्टिक अभियान और तिरंगा यात्रा निकालकर यह संदेश दिया कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। साथ ही नगर निगम के स्कूली बच्चों द्वारा आजादी के 75वें महोत्सव के उपलक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली गई और देश के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। हमारे उन वीर शहीदों को भी याद किया गया जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान गंवा दी। इस कार्यक्रम के जरिए घर घर भी तिरंगा दिया गया ताकि क्षेत्र के लोग अपने उन वीर शहीदों को याद कर सके और देश के प्रति और झंडे के प्रति सम्मान दे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से नगर निगम के स्कूली छात्र छात्राएं हाथों में तिरंगा लेकर यह संदेश दे रहे हैं कि हमें किस तरीके से आज़ादी मिली और हम अपने झंडे के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। शहादरा नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर अमित शर्मा का कहना था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जहां एक तरफ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर तिरंगा यात्रा निकालकर यह संदेश दिया गया कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा दी, उन वीर शहीदों की याद में स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जी जी, 3-4 ध्येय के साथ हम लोग चल रहे हैं। ये हमारा 7वां-8वां प्रोग्राम है। तो एक तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो बैन किया है उसका अवेयरनेस कैंपेन के लिए मार्केट में या हम सब लोग जो है घर में परिवार में या है। दूसरा स्वच्छता का कार्यक्रम है जो हमारे सफाई कर्मचारी या सफाई सैनिक लगे हुए हैं और बहुत अच्छी स्वच्छता चल रही है। क्या होता है, सुबह से ये लोग लगे रहते हैं और मतलब मैं सारे 33 वार्डों का जो राउंड ले चुका हूं तो हमको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा परिवर्तन नज़र आ रहा है टाइप करके, और बहुत मजबूती के संग सब लोगों के जो है सफाई कर्मचारियों के लिए तालियाँ। तीसरा ध्येय जो हमारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता के जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं उसमें जो सरकार के द्वारा जो आज़ादी का महोत्सव चलाया जा रहा है उसका भी एक संदेश कि हमारा जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानियां दी हैं उसको हम सभी लोग याद करना चाहते हैं और उसको उनके आदर्शों के चलना चाहते हैं। ये 3-4 ध्येय हैं हम लोगों के। सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी न्यूज़ आपसे रह न जाए।